इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। केरल के कन्नूर के रहने वाले एक मजदूर की जिंदगी रातों रात बदल गई। गरीबी के बावजूद लॉटरी का टिकट खरीदने के शौकीन मजदूर ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इसके जरिए वो कभी करोड़पति बन जाएगा। दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार का पेट पालने वाले पेरुनन राजन की 12 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। लॉटरी का नतीजा आने के बाद राजन को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। राजन ने कहा कि लॉटरी टिकट बैंक में जमा करने से पहले उन्होंने परिणाम की कई बार जांच भी की। टैक्स कटने के बाद भी उन्हें लॉटरी के कम 7 करोड़ रुपए मिलेंगे। बताया जा रहा है कि पी राजन ने बेटी की शादी और अन्य जरूरतों के लिए कर्ज लेकर रखा है। राजन का एक बेटा और 2 बेटी है। वे सबसे पहले 7 लाख रुपए का कर्ज उतारना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि वो कर्ज का भुगतान करने के बाद एक नया घर बनाना चाहते हैं और उन्होंने बताया कि उनके मकान की छत टूट गई है। बारिश के समय में छत से पानी भी टपकता है। वे इस पैसे को एक अच्छा घर बनाने में उपयोग करेंगे। जीती रकम से राजन अपने परिवार के बाद कुछ जरूरतमंदों के लिए कुछ करना चाहते हैं। 58 साल के पेरुनन राजन कन्नूर के मलूर में फुलामबरा इलाके के रहने वाले हैं। परिवार की माली हालत खराब होने के बाद भी वो रोज कोई ना कोई लॉटरी खरीदते हैं। भरोसा था कि एक न एक दिन किस्मत जरूर साथ देगी। आखिरकार 10 फरवरी को उनकी किस्मत चमक गई। राजन ने कहा है कि वो लॉटरी से मिलने वाले पैसों से गरीब और जरूरतमंद लोगों का भला करना चाहते हैं। उनके ऊपर कुछ देनदारियां भी है जिन्हें वे उतारना चाहते हैं। राजन ने कहा है कि वो इस राशि को जरूरी काम में लगाएंगे क्योंकि वो जानते हैं कि पैसा कमाना आसान नहीं है। तो दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है आप हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की न्यूज और अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।